हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सारा फैशन बुटीक में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। मोस्टली हम लोग चार कली वाली सलवार बनाते हैं, तो उसी का सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर टैप कर लें, और नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के ऑल बटन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जो सलवार की लंबाई हमने रखनी है 37 इंच तैयार रखनी है, और जो इसकी मोहरी की चौड़ाई होगी वो होगी हमारी 6.5 इंच, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो कली की लंबाई रहेगी वो हम 31 इंच तैयार रखेंगे, और 1 इंच उसमें प्लस करेंगे कटिंग के लिए, तो हो जाएगा 32 इंच। और इसी तरह से जो हमारी बेल्ट है वो तैयार रहेगी 6 इंच, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो इस तरह से हमारी जो तैयार सलवार होगी 37 इंच, लेकिन उसकी जो कटिंग होगी वो रहेगी 40 इंच। तो इस तरह से आप कभी भी कोई भी सलवार आप बनाते हैं तो इस तरह से उसको डिवाइड कर लें। तो ये तरीका आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट आपके सामने रखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी डिवाइड करने में। आप देखिए हमने जो हमारा फैब्रिक है यहाँ पर तैयार करके रख लिया है, आयरन करके इसको रखें। यहाँ पर जो हमारे पास फैब्रिक है बहुत कम चौड़ाई का है दोस्तों, इसकी जो डबल में चौड़ाई आ रही है करीब 17-17.5 इंच है। तो ज़्यादा चौड़ाई वाली अगर आप अर्ज वाला कपड़ा लेते हैं तो क्या होता है, सलवार बहुत अच्छे घेर वाली बनती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल घेर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कटिंग के लिए हमने जो ओपन वाली साइड है वो अपनी साइड रखी हुई है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और अब हम लगाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले कटिंग करेंगे बेल्ट और पार्ट्स की। तो जैसे जो हमारी जो चौड़ाई है वो 17.5 इंच है, बहुत कम है। अब हमें क्या करना है, बेल्ट की चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है, तो यहाँ पर हमने ये देखिए डबल में है कपड़ा इस तरफ से, तो हमने 4 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दिया है, ठीक है। और अगर आप और चौड़ा रखना चाहते हैं बेल्ट को, या नेफा चौड़ा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 4.5 इंच भी ले सकते हो, ठीक। तो ये मैंने दो तरीके बता दिए हैं आपको। अब यहाँ पर आपने लंबाई लेनी है हमारी 32 इंच, जो कि मैंने पहले ही बता दी है आपको, और वो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी 4 इंच पे निशान लगा देना है, और इस लाइन को हमने सीधा कर लेना है। देखिए मैंने अपने अंदाजे से इसको सीधा किया हुआ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमसे सीधा नहीं हो पा रहा है तो आपने इस तरीके से फैब्रिक को मोड़ कर रखना है, तो ये जो लाइन है आपके पास सीधी आ जाती है, तो आपको कटिंग करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखिए हमने सीधा सीधा पहले इसको कट कर दिया है यहाँ से इस तरीके से, ठीक। और ये जो हमारा यहाँ से जहाँ से हमने मार्किंग करी थी ये हम अलग कर देंगे, तो हमारी बेल्ट के लिए कपड़ा अलग निकल जाएगा और हमारे जो पार्ट्स हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले पार्ट्स हम अलग रख देते हैं, कलियों की तैयारी करते हैं। और उसके पहले देखिए जो बेल्ट का कपड़ा हमारे पास बचा है, अब हम इसको अगर ओपन करते हैं तो ये हमारे पास पूरी लेंथ का नहीं है, इसको जैसे हमने डबल किया तो ये देखिए बहुत कम आ रहा है। और हमें जो बेल्ट की चौड़ाई रखनी है वो हम करीब, जैसे मान लीजिए हिप साइज़ आपके पास जो भी हिप साइज़ आता है उसका हाफ करें, और फिर उसमें 6 इंच की लूजिंग दे दें, तो वो हमारी बेल्ट की चौड़ाई रहती है, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर लेंथ कलियों की, तो वही रहेगी 32 इंच। तो नीचे से कली की जो चौड़ाई रहेगी 3 से 4 इंच तक हम लोग रखते हैं। अगर आप चौड़ा पहुँचा बना रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरी तरफ से ये जो ओपन वाली साइड रहेगी, यहाँ से हम लगाने वाले हैं आसन का निशान। देखिए नॉर्मली हम लोग रखते हैं 9-9.5, लेकिन अगर आप हैवी सलवार बना रहे हो तो यहाँ पर ध्यान रखना है 10 इंच आपको रखना है, और अगर और ज़्यादा रख रहे हैं तो आप 10.5 भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे जो आसन है कलियों में, वो इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 9.5 इंच रखी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने नीचे की तरफ से पौंचे की तरफ से जो निशान लगाया था 3 इंच का, वो भी हमने यहाँ पर मिला देना है इसको आसन से, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये सीधी लाइन हो गई हमारी। तो अब हमने आसन इस तरफ इसलिए रखा है ताकि ये जो रेस्ट ऑफ दी फैब्रिक है, कई बार इकट्ठा हम लोग जब कटिंग करते हैं ना तो पीछे की तरफ से कपड़ा बच जाता है, वो बेकार हो जाता है, तो वो यहाँ पर वेस्ट कपड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि कपड़ा कम है हमारे पास तो हमें उसको तरीके से ही यूज़ करना होगा, ठीक है।
वैसे मैं एक सलवार आपको पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें। तो इसमें मैं सिर्फ कटिंग पे फोकस कर रही हूँ और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बता रही हूँ। देखिए, अब हमने दूसरा हिस्सा कली का ऐसे सेट करके और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट करके निकाल दिया है। तो ये देखिए, वेस्ट हमारा बस इतना ही फैब्रिक हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो दोनों कलियाँ हैं वो भी तैयार हो गई हैं। दो हैं ये एक साइड के पार्ट के लिए। ठीक, अब हमने जो बचे हुए कपड़े में से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है अपनी बेल्ट के लिए। ये देखिए, अब हमारी जो यहाँ पर लंबाई आ रही है 29 इंच आ रही है, लेकिन जब हम यहाँ पर जोड़ लगाएंगे और नेफे के लिए तैयार करेंगे इसको, तब जो हमारी लंबाई होगी वही हमारी 27 इंच के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई सेट कर सकते हो। मैंने सारे फॉर्मूले इसमें बताए हैं दोस्तों, फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये देखिए, आप मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हो, तो जो सबसे प्रीमियम वाली रहेगी तो उसमें मैं सारे बेसिक चीज़ों से लेकर के एक्स्ट्रा चीज़ों तक बताती हूँ। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर बेल्ट पार्ट और हमारी जो कलियाँ हैं सारी सेट कर ली हैं और इस तरीके से मैंने इसकी प्लेट्स जो हैं सेट कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा प्लेट नहीं बनी है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कपड़ा कम है। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।